हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल स्टूडेंट के लिए तीन बिग अपडेट लेके आ चुका हूँ। यस दोस्तों, सबसे पहले कि इन सभी स्टूडेंट को एमकॉम पार्ट वन पार्ट टू को इंतजार था उनके रिजल्ट का, जो कल लग चुका है। रिजल्ट लगने के बाद अब उनको इंतजार है कि यार जिन्हें एटी केटी लग गया उनका क्या होगा। उन्हें इंतजार है कि हमारा एडमिशन एमकॉम पार्ट टू में कैसे होगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिनकी ये क्वेरी है कि सर एटी केटी लग गया है, अब हमारा एडमिशन हम एमकॉम पार्ट टू में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। दोस्तों, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे, डेफिनेटली उन सभी में से भी इन तीन सवाल में से कोई एक सवाल आपका भी होगा। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए ही है क्योंकि इस सवालों के आज मैं आपको जवाब देने वाला हूँ और एक एक करके डिटेल में देखते हैं। और ये वीडियो बेस्ट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, पहली बात करते हैं कि एटी केटी लगा है तो वो क्या करे। सबसे पहली बात है कि जितने स्टूडेंट को एटी केटी लगा है वो घबराए नहीं, ठीक है। घबराने की कोई भी बात नहीं है दोस्तों। आपका आपके दिमाग में होगा कि केटी लग चुका है, ईयर खराब होने वाला है, साल खराब होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसका भी रास्ता आप लोगों को डेफिनेटली बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इंतजार करना है एटी केटी फॉर्म का। जैसे ही मुंबई यूनिवर्सिटी के द्वारा एटी केटी फॉर्म रिलीज करेंगे, आपको एटी केटी का फॉर्म जैसे ही आएगा आपको फिलअप करके सबमिट कर देना है। सबसे पहली बात आती है कि एटी केटी का सर फॉर्म कब आने वाला है। तो एटी केटी का फॉर्म दोस्तों जल्द ही आप लोगों के लिए आने वाला है। जैसे ही फॉर्म आएगा दोस्तों, आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। वीडियो आप लोगों तक पहुंचे उसके लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूले, क्योंकि आप जैसे ही बेल आइकन को ऑल पे करोगे, मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं एडमिशन को लेके। दोस्तों, एटी केटी का मैं आगे भी बात करने वाला हूं, जब तक हम इसे आगे करते हैं। एडमिशन कब होने वाला है एमकॉम पार्ट टू का, दोस्तों इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाया है और मुंबई यूनिवर्सिटी ने इसके रिलेटेड एक सर्कुलर रिलीज किया था। देख सकते हो जैसे कि एमए पार्ट टू और एमए पार्ट टू एजुकेशन को लेके और एमकॉम पार्ट टू एनुअल पैटर्न को लेके, उन्होंने खुद नोटिस में कहा है कि एडमिशन डेट विल डिक्लेयर इन द सेकेंड वीक ऑफ अगस्त 2021। मतलब कि सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक का एडमिशन का डिटेल दे दिया जाएगा। लेकिन मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि आप लोगों का एडमिशन जब तक रिजल्ट नहीं लग जाता, जब तक कोई भी नोटिस नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब तक वैसे कोई नोटिस आया नहीं है, लेकिन रिजल्ट लग चुका है, मतलब कि एडमिशन का डेट जल्द ही दो तीन दिनों में आ जाएगा। और मैंने कहा था कि एमकॉम पार्ट वन पार्ट टू का जो रिजल्ट है वो अपना 20 अगस्त के पहले ही आप लोगों तक मिल जाएगा। हुआ भी यही है कि 17-18 अगस्त के दिन आपका रिजल्ट आप लोगों को मिल चुका है। तो कहने का मतलब एडमिशन भी जल्द से जल्द चालू हो जाएगा, आपको वेट करना है, मेरे ही चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई एटी केटी जिन्हें लगा है वे एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आप लोगों को जानने की बात यही है कि आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यस, आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आपको एटी केटी लगा है तो आप एमकॉम पार्ट टू के एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, ऐसा आप लोगों ने सोच लिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एमकॉम पार्ट टू में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एमकॉम पार्ट टू का एग्जाम नहीं दे सकते हैं जब तक आप इस केटी को क्लियर नहीं करते। यस दोस्तों, आप सही सुन रहे हो कि जब तक आप केटी को क्लियर नहीं करते हो, आप एमकॉम पार्ट टू का एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, मैं आपको वो भी रास्ता बताऊंगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले कि आपका जब भी फॉर्म आ रहा है, आप एटी केटी का, ठीक है, फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ठीक है। आप फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एमकॉम पार्ट टू का भी, ठीक है, एमकॉम पार्ट टू का भी, थोड़ी राइटिंग खराब है क्योंकि मैं इस समय उससे लिख रहा हूँ, एमकॉम पार्ट टू का भी फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, फॉर्म फिलअप करना है एडमिशन का। क्यों बताता हूं, क्योंकि एमकॉम पार्ट टू का आपका एग्जाम वन ईयर के बाद होगा, राइट। मतलब कि इसका एग्जाम आप अभी आप चल रहा है अगस्त सितंबर, ठीक है, या अक्टूबर नवंबर समझ लीजिए, तो इसका एग्जाम भी आपका
अक्टूबर नवंबर के रिलेटेड ही होगा, ठीक है। नवंबर दिसंबर समझ सकते हो, ठीक है, दिसंबर तक चला जाएगा कि आपका एमकॉम पार्ट टू का एग्जाम आने वाले नवंबर दिसंबर तक का चला जाएगा, ठीक है। और जो आपका बचा एटीकेटी, ठीक है, एटीकेटी अगर आप इसका फॉर्म फिलअप करते हो तो इसका एग्जाम आने वाले दिन में ही होने वाला है, ठीक है, मतलब आने वाले इस नवंबर दिसंबर में होने वाला है 2020-21 में। लेकिन ये जो एग्जाम है दोस्तों, ये आने वाले 2020-22 में होने वाला है। तो मतलब अगर जिन स्टूडेंट को केटी लगी है वो अभी फॉर्म फिलअप कर देते हैं और ये एग्जाम इस नवंबर दिसंबर में देते हैं, पास हो जाते हैं, तो वो इस एग्जाम को अटेंड कर पाएंगे। अगर वो केटी नहीं क्लियर कर पाएंगे तो वो इस एग्जाम को अटेंड नहीं कर पाएंगे। मतलब कि अगर आप दोनों फॉर्म भरते हो, एटीकेटी का और एडमिशन का, दोनों ये फॉर्म फिलअप करते हो, तो आपका कोई भी ईयर खराब नहीं होता अगर आप इस एटीकेटी के एग्जाम को क्लियर कर लेते हो। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।